हेलो एवरीवन, आई एम अ थर्ड ईयर डर्मेटोलॉजी रेजिडेंट और आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बनाना चाह रही हूँ। इनफैक्ट दिस इज द रीजन व्हाई आई हैड एक्चुअली जॉइन सोशल मीडिया। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉर्चर दैट आई वेंट थ्रू व्हाइल आई वाज एन इंटर्न एट द एलएनजेपी हॉस्पिटल। अगर आप लोग नहीं जानते तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के साथ एफिलियेटेड एक हॉस्पिटल है जिसे हम लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल बोलते हैं। उस हॉस्पिटल में लगभग 5,000 पेशेंट्स की ओपीडी हर रोज होती है। तो 5,000 पेशेंट्स की ओपीडी का मतलब ये है कि रात के 3 बजे से लाइन लगने लग जाती है हॉस्पिटल के बाहर और उसके बाद जाकर लोगों का कहीं 9-10 बजे नंबर आता है। अगर मैं अभी भी वहाँ पे स्टूडेंट होती या इंटर्न होती तो ये वीडियो अपलोड करने के 5 मिनट बाद मुझे धमकी आने लग जाती है जिसमें हर तरीके का मेंटल टॉर्चर मुझे किया जाता, जैसे कि हम तुम्हें फेल कर देंगे, हम तुम्हें कभी पास नहीं होने देंगे, हम तुम्हें कभी अच्छा डॉक्टर बनने नहीं देंगे। पर क्योंकि मेरा उस जगह से अब कोई नाता नहीं है, ना मेरे को वहां कभी जाना और वहां से मैं पास आउट हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं उन लोगों की सच्चाई आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्जरी से। सर्जरी में मेरे बैच में 250 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 150 लोगों को फेल किया गया था। इमेजिन जिन लोगों की 4 साल 3 साल डिस्टिंक्शन आ रही है, मतलब 75% से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, जिन लोगों की ऑल इंडिया रैंक 1 आई हुई है, अपनी अपनी स्टेट्स में रैंक 1 आई हुई है, उन लोगों को तुम फेल करो। अरे कोई नहीं पढ़ता और तुम फेल करो तो बात बनती है, पर जिन लोगों ने पूरे 4 साल पढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया, अगर तुम फेल करते हो तो व्हाट सेंस डज इट मेक? एंड कैन यू इवन इमेजिन उन लोगों का कॉन्फिडेंस कितना टूटा था। कितने प्लान्स होते हैं, हम लोग खाली लोग नहीं होते, हम सबके प्लान्स होते हैं। किसी को यूएस जाना था, किसी की फ्लाइट्स बुक थी, किसी के एग्जाम्स बुक थे, सब कुछ लोगों का पड़ा रह गया। क्यों? क्योंकि लोग इंटिमिडेट होते हैं। वो प्रोफेसर्स जो बच्चों को बिना रीजन के फेल करते हैं, देयर एक्चुअली द पीपल वर इंटिमिडेटेड बाय द पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट्स। इसलिए बच्चों को फेल करके डिप्रेस करा जाता है। दिस इज द हार्श रियलिटी एंड द ब्रूटल ट्रूथ। आई वॉज द इंटर्न। क्या होता था मैं बताती हूँ। एक हमारा SR था जो कि किसी नेता का बेटा था, ना उसे काम आता था, ना उसे बात करने की तमीज थी किसी से, ठीक है। वो नॉर्मल पेशेंट्स को एडमिट करता था क्योंकि उसे अपेंडिसेक्टमी सीखनी थी। इसके बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती थी, आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट फैब्रिकेटिंग, दिस हैज हैपेंड इन फ्रंट ऑफ माय आई, और आई डिड नॉट यूज, आई वाज नॉट ऑन सोशल मीडिया, अदरवाइज आई वुड हैव मेड अ वीडियो एंड आई वुड हैव केप्ट इट एज अ प्रूफ। बट मेडिसिन की इमरजेंसी में जाके किसी भी एक पेशेंट का फ्लैट लाइन का, MI का या एंजाइना का वो लोग ECG लाते थे और उस पेशेंट की फाइल में लगा देते थे कि इंट्रा ऑफ पेशेंट को MI आ गया, दैट इज वाई द पेशेंट डाइड। तो इस टाइप का स्कैम उस हॉस्पिटल में चल रहा था, ठीक है। प्लस मैं बताती हूँ, मेडिसिन में जहाँ सबसे ज्यादा पेशेंट्स आते थे, ठीक है, वहां भी SR प्राइवेट कॉलेज वाला ही था मेरा, और चलो सर्जरी वाला SR लड़कियां तो नहीं छेड़ता था, मेडिसिन वाला तो लड़कियां छेड़ने का भी काम करता था। प्लस मेडिसिन में क्या हो रहा है, इतनी भारी ओपीडी है, कौन देख रहा है? इंटर्न और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तो आता ही नहीं है, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर आएगा भी तो एक कोने में बैठेगा, थर्ड ईयर तो आएगा ही नहीं, और SR भी एक कोने में बैठा है, कभी डाउट हो तो उससे पूछते ना, पर उसका कोई फायदा कभी नहीं होगा। कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे थे, नॉलेज बहुत ज्यादा थी, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, 5 मिनट बात करने के बाद लगता था यार ऐसा बनना है लाइफ में, पर क्या चल रहा है उस हॉस्पिटल में वो बहुत ही, इट वॉज सो इनह्यूमन, सो बैड फॉर द पेशेंट्स एंड सो बैड फॉर द पीपल हु वर वर्किंग देयर, सो टॉक्सिक। अच्छा, एक मैं ऑब्स गायनी का इंसिडेंस बताती हूँ। सब जगह नाइट ड्यूटी स्टार्ट होती है 9 बजे से, ऑब्स गायनी में स्टार्ट होती है 7 बजे से, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। अब मुझे पता नहीं था, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं 7 बजे नहीं गई, तो मेरी कोपीजी को कॉल आया, आयुषी तो आई नहीं, तो मैं 7:30 पता नहीं 7:40 तक पहुंची होगी। बट मैं ना रास्ते में आई स्टार्टेड क्राइंग, ऐसे पापा मैं नहीं जा रही, मैं घर जा रही हूँ, मुझे ये घटिया सी इंटर्नशिप करनी ही नहीं है, मुझे ये टॉक्सिक जगह पे जाना ही नहीं वापस। मैं पापा ने बोला मैं चलता हूँ, कुछ चल मेरे साथ, तो पापा पीछे खड़े, मैं अंदर गई हूँ, एक SR ने आके मुझे डांटा, फिर दूसरी SR ने आके मुझे डांटा, फिर फोन करके एक तीसरी SR को बुला रहे, मेरे पापा है, आप लोगों को इसके लेट आने से यही तो दिक्कत है ना कि काम नहीं हुआ, मैं यहाँ आधे घंटे से खड़ा हूँ, एक के बाद एक डांटे जा रहे हो, ऐसा करो सारा डिपार्टमेंट एक साथ बुला के डांट लो ताकि कम से कम 15 मिनट बाद तो काम स्टार्ट हो जाए। तो वो SR बोलती सर हम डांटेंगे नहीं, तो ये लोग काम कैसे सीखेंगे सर। तो मेरे पापा ने बोला, और वो बात बहुत सही बोली थी, डॉक्टर बन रही है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रही, तमीज से भी काम सिखा सकते हो, ऐसा कुछ इसे कुछ नहीं मिलने वाला ये इंटर्नशिप करके जितना आप मेंटल ट्रॉमा दे दोगे। और ये सच्चाई है, आधा ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट खुद एंटी डिप्रेसेंट होता है, खुद एंग्जायटिक होता है, और ये और लोगों के साथ क्या करते हैं वो देखने वाली बात होती है। एक ऑब्स गायनी की PG ने मुझे 70 मिस्ड कॉल्स दिए, 70 मिस्ड कॉल्स, 45 मिनट्स तक मेरा फोन बजता रहा, सारी और कोई रीजन नहीं था उसका, उसे काम से मतलब होता ना, 45 मिनट्स मुझे कॉल करने के बजाय 2 मिनट वो काम कर लेती। पर नहीं, हर कोई हर किसी से चिढ़ता है और उसे टॉक्सिक तरीके से दिखाया जाता है, और क्योंकि सीनियर के पास पावर बहुत है, जूनियर कुछ बोल नहीं सकता, उसके ऊपर हमेशा फेल कर देंगे, तुम्हें एकदम दुनिया से हटा देंगे, तुम्हें डॉक्टर नहीं बनने देंगे का इतना खौफ डाल दिया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना इंटॉक्सिकेट किया जाता है कि लोग इस बारे में बोल भी नहीं पाते। और बाकी और बहुत किस्से, एक एक